नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल बातपति की। मैं हूं दीपा और आज हम घर पे एक हेयर ऑयल बनाने जा रहे हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है और इसमें ज़्यादातर जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो हमारे किचन में ही अवेलेबल होते हैं, तो इसे आप बहुत ही आसानी से घर बैठे बना सकते हैं और ये बजट फ्रेंडली भी है। क्योंकि मार्केट में बहुत सारे जो ऑयल्स मिलते हैं, जो हर्बल ऑयल क्लेम करते हैं, उसमें भी ज़्यादातर जो है वही इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हमारे डे टू डे किचन में, हमारी लाइफ में यूज़ होते हैं, यूटिलाइज़ किए जाते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे मार्केट में जो है ऑयल्स आते हैं, मिलते हैं, तो जैसे कि आंवला ऑयल हो गया या बहुत सारे ऐसे ऑयल हैं, आलमंड ऑयल हो गया और लाइट हेयर ऑयल जो आते हैं उनमें ज़्यादातर आप देखेंगे तो उसमें जो है पैराफिन ऑयल जो है ऐड किया जाता है, जो कि बहुत हार्मफुल होता है हमारे लिए, हमारे हेयर्स के लिए भी, हमारे स्कैल्प के लिए भी। इवन ये क्लेम किया गया है और प्रूफ किया गया है साइंटिफिकली कि ये पैराफिन ऑयल जो है कार्सिनोजेनिक होता है। तो अगर आप कोई भी ऑयल जो है परचेज़ करते हैं मार्केट से तो उस पर इंग्रेडिएंट्स लिस्ट ज़रूर देख लेनी चाहिए, क्योंकि उसमें अगर आप देखते हैं कि पैराफिन ऑयल अगर उसमें डाला गया है तो उस ऑयल को आप परचेज़ ना करें, क्योंकि वो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। चाहे उसमें आलमंड ऑयल मिलाया हो, क्योंकि जो आलमंड ऑयल भी होता है वो बहुत ही थोड़ी क्वांटिटी में होता है, उसमें 90-70% जो है पैराफिन ऑयल एडिड होता है, या बहुत सारे आंवला ऑयल भी आते हैं या अदर हर्बल ऑयल आते हैं, उन पर इन्ग्रीडियंट्स लिस्ट जो है उसे एक बार ध्यान से चेक कर लें, उसके बाद उसे परचेज़ करें। तो जो आज हम हेयर ऑयल बनाएंगे वो आपके बालों को नरिशमेंट देगा और साथ साथ कई बार हमारे बाल जो है बहुत ही रफ़, ड्राई, फ्रिजी हो जाते हैं, उसे भी जो है सूद आउट करेगा। इसके अलावा हेयर फॉल होता है, बाल बहुत पतले हो जाते हैं और जिन लोगों के टाइम से पहले ही बाल जो है सफ़ेद होने लगते हैं उस केस में भी ये ऑयल बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो सबसे पहले जो है हम बेस ऑयल जो ले रहे हैं वो है कोकोनट ऑयल। तो हमने 100 ml कोकोनट ऑयल लिया है इसमें, और हम लेंगे मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल। तो हमने सरसों का तेल भी 100 ml लिया है। इसके अलावा जो है और भी कुछ कुछ क्वांटिटी में हम ऑयल ऐड करेंगे, जैसे कि कैस्टर ऑयल हम ऐड करेंगे, और इसके अलावा हम ऑलिव ऑयल भी इसमें डालेंगे थोड़ा सा, लाइक 5-7 ml हम ऑलिव ऑयल इसमें डालेंगे, और हम बादाम रोगन या आलमंड ऑयल इसमें ऐड करेंगे, और इसके अलावा जो है हम अनियन ऑयल भी इसमें ऐड करेंगे। तो ये बॉटल थोड़ी सी जो है इसमें ऑयल लगा हुआ है। इसके अलावा हम इसमें जो है करी लीव्स ऐड करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे हेयर्स की ग्रोथ के लिए। इसके अलावा जो है नीम, ये नीम की लीव्स है, तो ये जो लीव्स है मेरे पास ड्राई है, अगर आपके पास फ्रेश मिलती है तो आप फ्रेश भी ले सकते हैं, अदरवाइज़ ये जो है फ्रेश लीव्स को ही मैंने ड्राई कर लिया था। इसके अलावा जो है हम इसमें ऐड करेंगे हिबिस्कस के फ्लावर्स, ये हिबिस्कस के फ्लावर्स के पेटल हैं जो भी मैंने ड्राई करके रखे हैं। इसके साथ साथ जो है हम अपने ऑयल में आंवला ऐड करेंगे, तो ये अनियन है ये भी हम डालेंगे। ये अनियन जो है सल्फ़र बहुत रिच होता है सल्फ़र में, तो ये हमारे बालों के स्ट्रैंड्स को स्ट्रेंथन करता है। तो मेथी जो है हम इसे भी ऐड करेंगे हेयर ऑयल बनाने के लिए। कलौंजी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है हेयर ऑयल बनाने के लिए, जो कि हमारे किचन में प्रेजेंट भी होता है, क्योंकि ये जो है हमारे बालों को जो है ब्लैक करने में भी हेल्प करता है। पूरा ऑयल जब हम बना लेंगे तो एंड में हम इसमें कपूर या कैम्फर के इस तरह से टैबलेट्स भी डालेंगे, 7-8 डालेंगे, जो हमारे हेयर्स को और भी जो है हेयर को अच्छा इफेक्ट देता है। एंटीसेप्टिक होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, ये जिनको डेंड्रफ की प्रॉब्लम है उसमें ये कैम्फर बहुत ही इफेक्टिव होता है, और ये हमारे हेयर्स के क्यूटिकल्स को स्ट्रेंथन करता है और नरिश करता है बालों को। तो चलिए शुरू करते हैं ऑयल बनाना। तो सबसे पहले हमने एक लोहे की कढ़ाई ली है, और लोहे की कढ़ाई लेने का ये फ़ायदा है कि जो हमारा तेल बनेगा उसमें आयरन भी आ जाएगा, जो कि हमारे बालों के लिए बहुत एसेंशियल होता है। तो इसमें हम सबसे पहले जो है सरसों का तेल डाल रहे हैं जो हमने 100 ml लिया था। तो हम इसे जो है थोड़ा सा गर्म होने देंगे, और एक बात ध्यान रखने की है कि टोटल प्रोसेस में हम सिम से मीडियम की ही फ्लेम रखेंगे, हम हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। सरसों का तेल जब थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो इसमें हम कोकोनट ऑयल ऐड करेंगे। तो सबसे पहले जो है इसमें अनियन डालेंगे। अब अनियन के हमने जो है ये सूखे छिलके भी लिए हैं, तो वो साथ में ही हम इसमें डालेंगे। जब भी हम ऑयल बनाते हैं तो जितनी भी वेट चीज़ें होगी, जैसे कि आंवला हो गया या अनियन हो गया, इसे हम पहले डालेंगे ताकि ये जो अच्छे से एक्सट्रैक्ट हो जाए। उसके बाद सबसे एंड में जो है हम ड्राई चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। तो ये जो झाग आ रहे हैं ये एक बार आएंगे, पर ये धीरे धीरे अपने आप सेटल डाउन हो जाएंगी। इसके साथ साथ ही हम इसमें आंवला भी ऐड कर देंगे।
अब आप देख सकते हैं कि इसमें जितना पानी था वो काफ़ी उड़ चुका है और झाग भी पहले से कम हो गए हैं। तो इस समय पे जो है हम इसके अंदर जितने भी सीड्स थे, लीव्स थी, वो सब ऐड करेंगे, क्योंकि अगर हम पहले ऐड कर देंगे तो वो जल जाएंगे लंबे टाइम तक। अगर हम उसे ऑयल के अंदर गर्म करते हैं तो उसके न्यूट्रिएंट्स भी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम वेट वाली चीज़ें डाल के उसे अच्छे से उसका वाटर कंटेंट सारा निकाल के उसका एक्सट्रैक्शन लेंगे। तो अब जो है हमने 1 टेबल स्पून जो है कलौंजी इसमें ऐड कर रहे हैं और 1 टेबल स्पून हम मेथी दाना इसमें ऐड कर रहे हैं। लीव्स जो है हम एंड में ऐड करेंगे, क्योंकि तेल काफ़ी गर्म होता है तो लीव्स का एक्सट्रैक्शन जो है एंड में भी अच्छे से आ जाएगा। आप चाहें तो 7-8 जो है लौंग भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये भी एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है लौंग में। तो झाग जो है काफ़ी सेटल हो गए हैं और गैस को जो है हम बंद कर देंगे और सबसे एंड में जो है हम लीव्स डालेंगे, क्योंकि तेल अभी भी बहुत गर्म है तो इतने गर्म तेल में इन सभी लीव्स का जो है एक्सट्रैक्शन निकल जाएगा। तो इसको तेल को जो है कम से कम हम 15 से 20 मिनट जो है हम ऐसे ही रखेंगे, ताकि इसका जो लीव्स का एक्सट्रैक्शन जो है सारा अच्छे से तेल में आ जाए। जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो हम इसे छान लेंगे। और ये जो कैम्फर की टैबलेट्स जो हमने ली थी वो हम इस तरह से क्रश करके इसमें डाल देंगे। जो हमने 7-8 कैम्फर की टैबलेट्स ली थी, हम बहुत ज़्यादा बॉइल्ड ऑयल में नहीं डालेंगे, जब ये हल्का सा गर्म होगा तब डाल देंगे, क्योंकि ये अभी डिज़ोल्व भी हो जाएगा। तो ये हमने कैम्फर डाल दिया है। अब हम थोड़ा थोड़ा जो ऑयल्स हमने बाकी जैसे लिए थे, बादाम रोगन है, ये हम एक एक चम्मच इसमें ऐड कर देंगे। तो ये बड़ी चम्मच है, ये हमने डाल दी है। इसी तरह से ऑलिव ऑयल जो है वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे, और वैसे ही जो कैस्टर ऑयल है वो भी हम ऐड करेंगे। तो लगभग इतना जो है हमने कैस्टर ऑयल लिया है और ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और ये है अनियन सीड ऑयल, तो ये हमें बहुत ही थोड़ी क्वांटिटी में डालना होता है, 2.5 ml के हिसाब से बस इतना सा ही डालेंगे। और सबसे एंड में जो लेवेंडर ऑयल है ये ऐड करेंगे, क्योंकि ये हेयर फॉल को भी कंट्रोल करता है, डेंड्रफ को कंट्रोल करता है, स्कैल्प को हेल्दी रखता है और ये बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस देगा हमारे ऑयल को जब आप लेवेंडर ऑयल डालेंगे। इसके अलावा आप चाहे तो कोई और एसेंशियल ऑयल भी इसमें डाल सकते हैं फ्रेग्रेंस के लिए, पर ये लेवेंडर ऑयल बहुत ही अच्छा रहता है हेयर के लिए। आप चाहे तो रोजमेरी ऑयल भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो लगभग 1/4 teaspoon जो है लेवेंडर ऑयल की मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो इस तेल को जो है हम एक बारीक छलनी से एक दूसरे जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इस ऑयल की खुशबू जो है बहुत ही अच्छी है और सच में ये जो है इतना अच्छा फ्रेग्रेंस दे रहा है। और इस तेल के अंदर वो सारे हर्ब्स है जो आपके बालों को स्ट्रेंथन करेगा। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि हम जो अपनी डाइट लें वो प्रॉपर लें, तो उसके बाद अगर ये हेयर्स की प्रॉब्लम होती है तो डेफिनेटली ये ऑयल आपको 100% रिजल्ट देगा। तो आई होप कि आपको ये होममेड हर्बल हेयर ऑयल ज़रूर पसंद आया होगा। तो इसे आप भी घर पे बनाइए और अपने रिजल्ट्स जो है मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, जिससे मुझे भी इंस्पिरेशन मिलती है नई सब्जेक्ट्स, नई चीज़ें आपके साथ शेयर करने की, और साथ साथ बहुत सारे लोग जो है वो भी जान पाए कि किस तरह से ये होममेड रेमेडीज़ जो है हमारे को कितना फ़ायदा पहुंचा सकती है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इस वीडियो को अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और साथ साथ बेल बटन ज़रूर दबाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, बी हैप्पी, टेक केयर, बाय बाय।